तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो के अंदर देखूंगा कि ईएसटी सप्लाई हाई बनने का बजाय क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और ईएसटी सप्लाई जब हाई बन जाएगा तो वो हाई कैसे और कौन सेक्शन चेक करना पड़ेगा और कैसे रिपेयर करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली ये जो वीडियो देखूंगा। अकाई XRT टीवी का चासिस, अकाई 21 इंची XRT टीवी का चासिस है। तो चलिए मैं वीडियो पर आपको ले चलता हूँ। वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली रिपेयर करके देखूंगा कि आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद साथ साथ क्यों शॉर्ट हो जाता है। आपको मैं जो थ्योरी वीडियो बहुत वीडियो के अंदर बताया देखा है, प्रैक्टिकल भी बहुत वीडियो के अंदर दिखाया। आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर देखाऊंगा कि ट्रांजिस्टर लगाने का साथ साथ शॉर्ट हो जाता है। इसका बहुत कुछ रीजन है जो बहुत वीडियो के अंदर आपको बताया कि ट्रांजिस्टर साथ साथ लगाने के बाद जब शॉर्ट हो जाता है तो उसका मेन रीजन ईएसटी हो सकता है। बट दोस्तों इसका ईएसटी ओके है, ठीक है। उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो ईएसटी सप्लाई बहुत ही हाई बन रहा है, इसीलिए इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने का साथ साथ शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम ये ट्रांजिस्टर लगाने का साथ साथ तो दोस्तों पहले ही शॉर्ट मिला, तो उसका बाद मैं दूसरा अलग सा ट्रांजिस्टर ये ट्रांजिस्टर मैं लगाया, ठीक है। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर 2499 ये लगाने का साथ साथ ईएसटी एक बार ऑन हो गया। ईएसटी ऑन होने के बाद फिर भी ये शॉर्ट हो गया। उसका बाद मैं अच्छा करके देखा कि इसका जो ईओक कॉइल में कनेक्शन करके टेस्ट किया था फर्स्ट टाइम, उसका बाद ईओक कॉइल ओपन करके, ठीक है, ये अलग पिक्चर ट्यूब पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो ईओक कॉइल ओपन करके जब सप्लाई दे दिया सीरीज लाइन से, सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो गया। तो उसका मतलब मैं अच्छा करके चेक किया कि ज़रूर कुछ शॉर्टिंग है। तो आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ कि ईएसटी सप्लाई जब हाई बन जाता है बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका बाद दोस्तों ये जो वर्टिकल सप्लाई लाइन ईएसटी से जो बनता है, देखिए ये एक सप्लाई लाइन है वर्टिकल सप्लाई, ये एक वर्टिकल सप्लाई, ये दोनों लाइन के अंदर एक जो लाइन है ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन देखिए, ये जो लाइन आ रहा है बीच में, यह से यह तक एक डायोड है। तो ये डायोड मैं शॉर्ट देखा, ये डायोड पोजीशन शॉर्ट देखा, मतलब सप्लाई लाइन का साथ नेगेटिव का साथ शॉर्ट मिला। तो ये जेनर डायोड को ओपन किया, ओपन करने के बाद तब भी शॉर्ट रिमूव नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये जो वर्टिकल आईसी ओपन करने के बाद शॉर्ट रिमूव हो गया, उसका मतलब वर्टिकल आईसी शॉर्ट है। तो दोस्तों ये वर्टिकल आईसी चेंज किया, चेंज करने के बाद इसका शॉर्ट रिमूव हो गया। और उसके बाद फाइनली मैं जब सप्लाई देके ईएसटी सप्लाई चेक किया तो ईएसटी सप्लाई बहुत हाई बन रहा है, मतलब 200 वोल्ट का आसपास, जो 110 वोल्ट होना चाहिए। उसका पहले आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम ये तो सेकेंड टाइम ये सब चेक करने के बाद मिला, बट फर्स्ट टाइम जब सप्लाई दे दिया कि इसका अंदर जो पावर इंडिकेटर है, ठीक है, ये जो पावर इंडिकेटर ये पीसीबी का, ये अकाई का चासिस है। तो दोस्तों अकाई वीडियो कॉन्फ्रेंस इसका अंदर ये सब चासिस इस तरह चासिस देखा जाता है, बट दोस्तों ये अकाई का चासिस है। इसका इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा था, मतलब हल्का सा अप डाउन हो रहा था ये पावर इंडिकेटर। उसके बाद मैं अच्छा करके चेक किया कि ज़रूर कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जो डायोड है, ठीक है, ये डायोड बहुत हीट मिला। तो दोस्तों ये साउंड सप्लाई का डायोड है, जब ये डायोड हीट मिला तो मतलब इसका आउटपुट लाइन का ज़रूर कुछ शॉर्ट है। तो इसलिए ये जो आउटपुट लाइन है अच्छा करके मैं चेक किया, बीच में रेजिस्टेंस है, और ये जो जेनर डायोड है ये प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों ये जेनर डायोड शॉर्ट हो गया, तो ये जेनर डायोड अभी ओपन है, जेनर डायोड को मैं नहीं लगाया। ये डायोड ओपन करने के बाद इसका शॉर्टिंग रिमूव हो गया। जब इसका शॉर्टिंग रिमूव हो गया उसके बाद मैं जब सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद साथ साथ ईएसटी ऑन होने के बाद आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, और उसके बाद जो कुछ शॉर्टिंग मिला तो आपको सब कुछ बताया। अभी आपको प्रैक्टिकली एक बार देखूंगा ईएसटी सप्लाई अभी कितना है। तो इसीलिए मीटर को कैमरा को थोड़ा सेट कराना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से आपको वोल्टेज चेक करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, थोड़ा सा कैमरा सेट करने के लिए अब थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी दोस्तों इसका ईओक कॉइल ओपन है, मीटर को 600 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है, और फर्स्ट आपको देखूंगा कि ईएसटी सप्लाई, ठीक है, ईएसटी सप्लाई अभी कितना बन रहा है, कि ये जो ईएसटी सप्लाई यहाँ पर ईएसटी सप्लाई वोल्टेज आता है, ठीक है। चलिए आपका सामने एक बार सप्लाई देख के देखूंगा, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, देखिए दोस्तों 200 वोल्ट। तो चलिए मैं सप्लाई को तुरंत ऑफ कर दिया, क्योंकि लॉन्ग टाइम इस तरह सप्लाई देके रखेगा तो
हो सकता है कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर फिर भी शॉर्ट हो जाएगा, वर्टिकल आई से भी शॉर्ट हो सकता है। दोस्तों हाई वोल्टेज बनने का रीजन से बहुत कुछ शॉर्ट हो सकता है, बहुत कुछ सेक्शन शॉर्ट हो सकता है। जिस तरह आपको बताया साउंड सप्लाई लाइन के अंदर जेनर डायोड शॉर्ट मिला, उसके बाद मैं अच्छा करके चेक किया कि वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट ट्रांजिस्टर को अभी मैं लगाया, इसको रिपेयर करने के लिए ये जो ईएसटी सप्लाई लाइन है, फर्स्ट ईएसटी सप्लाई लाइन को मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बीच में जो जम्पर है, जम्पर लाइन को ओपन करना, ऐसे ही सिस्टम दोस्तों ये इस तरह काम करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये ईएसटी सप्लाई लाइन के अंदर जो एक जम्पर है, ये जम्पर को ओपन करके ईएसटी सप्लाई लाइन को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के बाद सेफ्टी के लिए, क्योंकि आउटपुट ट्रांजिस्टर फिर भी शॉर्ट ना हो जाए, यहाँ पर मैं एक 100 वाट डैमी लैंप लोड लगाऊंगा, ठीक है। लगाने के बाद भी आपको एक बार देखूंगा कि ईएसटी से इसका वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है, तो ईएसटी जब बन जाएगा तो आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है, वर्टिकल आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। अदरवाइज इसका जो अलग अलग आउटपुट वोल्ट, तो दोस्तों ये साइड भी फॉल्ट हो सकता है। ईएसटी हाई बनने का रीजन से इसका सब कुछ अलग अलग वोल्टेज भी हाई बनेगा, ठीक है। आपको नहीं दिखाया कि वर्टिकल सप्लाई जो आउटपुट हो रहा है 14 वोल्ट के आसपास ये होना चाहिए, बट दोस्तों 22 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, जो मैं पहले ही चेक करके देखा। और उसके बाद मन में जो चल रहा है, तो न्यू टेक्नीशियन को ये वीडियो देखने के बाद कि कौन कौन पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है जब हाई वोल्टेज बन जाता है, तो उसके बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये जो ईएसटी सप्लाई लाइन का जम्पर है, ये जम्पर को ओपन कर दूंगा, ठीक है। ईएसटी सप्लाई लाइन का जम्पर को मैं ओपन किया गया, और उसके बाद चलिए एक डैमी लोड 100 वाट बल्ब, ठीक है। ये 100 वाट बल्ब है, तो ये बल्ब यहाँ पर लगा के भी एक बार आपको वोल्टेज टेस्ट करके देखूँगा। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, और दोस्तों ये नेगेटिव है। तो चलिए अभी इसी टाइम एक बार वोल्टेज फिर भी चेक करके देखूँगा कि कितना वोल्ट अभी मिलेगा। तो ये ये सप्लाई लाइन मैं ओपन कर दिया, चलिए सप्लाई दिखे हुआ देखता हूँ। दोस्तों लोड कंडीशन पर 120 आ गया, और सीरीज बल्ब दोस्तों फुल ग्लो हो गया। दोस्तों क्या लग रहा है, ईएसटी तो बन गया, बार दोस्तों 120 वोल्ट 200 वोल्ट मिल गया, और अभी इसी टाइम सप्लाई देने के बाद फिर भी सप्लाई दे दिया 119 वोल्ट, बट दोस्तों सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो गया। जब सीरीज बल्ब ग्लो हो जाता है तो उसी का रीजन से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। चलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, देखिए सीरीज सप्लाई देता हूँ सीरीज लाइन से, देखिए ये देखिए सीरीज बल्ब ग्लो होने का रीजन से दोस्तों ये जो वोल्टेज 120 शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लोड कंडीशन मतलब डायरेक्ट लाइन देगा तो दोस्तों ये वोल्ट बहुत हाई बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका क्या आउटपुट वोल्ट हाई हो गया, इसका रीजन क्या है। दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो सर्किट है, ये जो फीडबैक सेक्शन मतलब ये जो ऑप्टोकपलर सेक्शन है, और इसका अंदर आप पीसेट देख सकते हो, ये जो पीसेट है, तो ये पीसेट 2K का पीसेट है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल पीसेट, इसका ऊपर जो नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये इसका ओरिजिनल पीसेट है, और इसका नीचे ये पोजीशन, ये नीचे पोजीशन एक नंबर है 23, और उसके बाद क्या नंबर लिखा क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। 23 का 3 के बाद क्लियर नहीं आ रहा है, बट इसका दोनों क्वांटिटी जब मैं रेजिस्टेंस चेक किया 1.9 के मिला। तो दोस्तों इसीलिए मैं यहाँ पर 2K का पीसेट यूज़ किया, क्योंकि बहुत टेक्नीशियन कन्फ्यूज भी हो जाएगा इस तरह पीसेट नंबर देखने के बाद। तो 2K पीसेट लगाया, लगाने के बाद तब भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसके बाद ये जो फीडबैक सेक्शन का अंदर जितना रेजिस्टेंस है, ये ऑल रेजिस्टेंस ऊपर से चेक किया, इसका वैल्यू गड़बड़ लगा। और उसके बाद एक एक पिन को मैं ओपन करके ये सब रेजिस्टेंस को चेक किया, चेक करने के बाद भी ये सब रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो ओपन कर एक एक पिन ओपन करने के बाद चेक करने के बाद सभी रेजिस्टेंस ओके लगा। और उसके बाद दोस्तों और मैं जो टारगेट किया
कि ये जो फीडबैक सेक्शन यहाँ से ये जो ऑप्टो कपलर है यहाँ पर सप्लाई आता है, ठीक है। और यहाँ पर सप्लाई जब आता है तब ये पावर सेक्शन से रेगुलेशन करके वोल्टेज निकलता है, फिक्स्ड वोल्टेज निकलता है। तो इसीलिए ये रेगुलेटर सेक्शन का ही फॉल्ट है। तो दोस्तों फाइनली ये जो ट्रांजिस्टर देखिए, ये 1815 का एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये 1815 का ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर चेंज करने का बाद लास्ट फाइनली ये 1815 ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको देख सकता हूँ ये दोस्तों 1815 का ट्रांजिस्टर है। तो ये मीटर का अंदर ओके देखा जाता है, तब भी दोस्तों ये ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए आपका एक बार वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा। अभी दोस्तों अभी तक इसका रेजिस्टेंस ये जो जम्पर ESC सप्लाई जम्पर ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये कनेक्शन में अभी नहीं किया है, सिर्फ ये जो डेमी लोड 100 वाट बल्ब ये जो डेमी लोड कनेक्शन किया, ये मैं कनेक्शन किया। और कनेक्शन करके आपको जिस टाइम दिखाया कि लैम्प सीरीज बल्ब वो फुल ग्लो हो जाता है, ठीक है, वोल्टेज भी हाई निकलता है। अभी इसी टाइम क्या कंडीशन क्या आता है आपका एक बार दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया, सीरीज बल्ब देखिए कुछ भी ग्लो नहीं हो रहा है, और जो डैमी लोड देखिए जल रहा है। और अभी ESC सप्लाई लाइन पर कितना वोल्ट, ये देखिए 110 वोल्ट है, पूरा फिक्स्ड प्रॉपर वोल्ट आ गया, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो ये जो ESC सप्लाई लाइन है, ठीक है। और ये डैमी लोड देखिए हल्का जल रहा है, और सीरीज बल्ब देखिए कुछ भी ग्लो नहीं हो रहा है, हल्का सा जल रहा है। तो मतलब इसका पावर सेक्शन अभी रेडी हो गया। अब अच्छा करके देखिए कितना वोल्ट आ गया। तो चलिए उसके बाद ये लैम्प हटाऊंगा। हटाने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो जम्पर मैं ओपन किया, ये जम्पर कनेक्शन करके आपका एक बार वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको दिखाने के लिए ये जो 110 वोल्ट सप्लाई लाइन है, यहाँ से यहाँ तक जो जम्पर को मैं ओपन किया, मैं एक अलग से वायर लेके इसको जम्पर कर दिया। तो चलिए ये कॉइल अभी मैं कनेक्शन नहीं किया, ठीक है, ओनली इसका सब कुछ कनेक्शन ओके है। तो फाइनली टेस्ट करूंगा, टेस्ट करने का पहले एक बार वोल्टेज देखूंगा कि कितना वोल्ट अभी यहाँ पर मिल रहा है। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया, और अभी ESC सप्लाई कितना है, तो दोस्तों लोड कंडीशन पर ESC सप्लाई देखिए 110-111 वोल्ट का आसपास है, और ESC पर ये सप्लाई जा रहा है, ठीक है। और इसका 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट है, 180 वोल्ट लाइन पर दोस्तों 152 वोल्ट है, मतलब ESC बन रहा है, ठीक है। और इसका देखिए योक कॉइल तो मैं ओपन कर दिया, इसीलिए स्क्रीन का अंदर देखिए एक डॉट टाइप ये जो लाइटिंग आप देखिए डॉट टाइप ये लाइटिंग आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, योक कॉइल कनेक्शन करने के बाद आपका एक बार फाइनली दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये जो PCB है, इसका इतना सब कुछ पार्ट्स चेंज करने के बाद, ठीक है, इतना सब कुछ पार्ट्स चेंज करने के बाद ये पिक्चर ओके आ गया, PCB बिल्कुल ओके चल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम का ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।